अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बीरा रानी। मैं हूँ बीरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बीरा रानी यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होम मेड मायोनीज की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। आज मैं आपके साथ दो तरह की मायोनीज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक हम एगलेस मायोनीज बना रहे हैं और एक एग मायोनीज। तो चले आए, सबसे पहले हम देखते हैं एगलेस मायोनीज बनाने के लिए हमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स की जरूरत है। 1 कप मैंने ऑयल लिया है, 1/2 कप मैंने मिल्क लिया है, 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टीस्पून वन टी सॉल्ट, स्पून 1 व्हाइट पेपर, 1 टेबल स्पून विनीगर। सो फ्रेंड्स, आपने देख लिया हमें एगलेस मायोनीज बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। और एगलेस मायोनीज बनाने के लिए हमें जिन तमाम इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, वो हर टाइम हर घर में मौजूद होते हैं और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप झटपट इसको बना सकते हैं। तो चले आए, अब हम अपना होम मेड एगलेस मायोनीज बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ग्राइंडर लिया है, इसमें मैं मिल्क ऐड करूंगी, शुगर ऐड करूंगी, सॉल्ट ऐड करूंगी, व्हाइट पेपर ऐड करूंगी, विनेगर ऐड करूंगी और लास्ट में मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। जब आपको ऐसा लगे कि ये रुकने लगा है तो आप इसको ऑन ऑफ करके दोबारा चला सकते हैं। हमारी एगलेस मेयोनीज अब बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको किसी भी एयर टाइट जार में डाल लेंगे। एगलेस मायोनीज की शेल्फ लाइफ जो होती है वो बहुत कम होती है। आपने देखा, इसको बनाना बहुत आसान है। आप थोड़ा सा बनाए, फ्रिज में रखें, इंजॉय करें और उसके बाद आप थोड़ा और बना लें। सो एगलेस मायोनीज हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम एग मायोनीज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चले आए, सो फ्रेंड्स, हमारा एगलेस मायोनीज जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम एग मायोनीज रेडी करेंगे। जिस तरह एगलेस मायोनीज को रेडी करना बहुत आसान था, इसी तरह एग मायोनीज को रेडी करना भी बहुत आसान है। चले हैं, देखते हैं एग मायोनीज रेडी करने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। 1 कप मैंने ऑयल लिया है, 1/2 कप मैंने मिल्क लिया है, 2 एग्स लिए हैं मैंने, 1 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने शुगर ली है, 1 टेबलस्पून मैंने विनेगर लिया है, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून मैंने व्हाइट पेपर लिया है। सो फ्रेंड्स, आपने देख लिया हमें एग मायोनीज बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। तो चले आए, हम स्टार्ट करते हैं एग मायोनीज बनाना। यहाँ पर मैंने ग्राइंडर लिया है, उसमें मैं एग्स ऐड करूंगी, और सबसे पहले मैं एग्स को अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। अब मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूंगी। लेमन जूस से हमारे मायोनीज की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी, शुगर ऐड करूंगी, व्हाइट पेपर ऐड करूंगी, मिल्क ऐड करूंगी। अब हम इसको अगेन ग्राइंड करेंगे। अब मैं इसमें विनीगर ऐड करूंगी। और लास्ट में हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। सारा ऑयल हमने ऐड कर दिया है। देखिए, हमारा एग मायोनीज भी अब बिल्कुल रेडी है। इसको भी हम किसी जार में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना रिच एंड क्रीमी हमारा मायोनीज रेडी हुआ है।
और ना ही हमारा ज्यादा टाइम लगा और ना ही हमारी ज्यादा एनर्जी लगी। झटपट से हमारे दोनों मायोनीज रेडी हो गए। सो फ्रेंड्स, हमारा एग मायोनीज और एगलेस मायोनीज, दोनों मायोनीज हमारे रेडी हैं। ये है हमारी एग मायोनीज और ये है हमारी एगलेस मायोनीज। एग मायोनीज की शेल्फ लाइफ है 2 वीक्स फ्रिज में रख के, और एगलेस मायोनीज की शेल्फ लाइफ है 1 वीक फ्रिज में रख के। सो इनको बनाना तो बहुत ही आसान है, आप थोड़ी सी बनाएं, यूज कीजिए, इंजॉय कीजिए और झटपट दोबारा दूसरी बना लें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये होममेड मायोनीज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद बीरा रानी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा एंड